मैथ्स विद गौरव सर में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। सबको पता है सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला टॉपिक होता है स्क्वायर्स। मैं बात करूंगा आज स्क्वायर्स कैसे और कितनी आसानी से निकाले जा सकते हैं, किसी में स्क्वायर्स कितनी तरह से निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला मैं पहला टाइप लेके पढ़ा रहा हूँ, जब ऑल डिजिट्स आर वन। सबने पढ़ा होगा जब सभी के सभी डिजिट्स क्या हों, वन हों। ऑल डिजिट्स आर वन, जब सारे के सारे डिजिट वन होंगे तो उनका स्क्वायर्स कैसे निकलेगा। जैसे मैंने बात करा वन वन का स्क्वायर, इसका निकालना है। ट्रिपल वन का स्क्वायर सर इसका निकालना है। फोर टाइम्स वन किया इसका होल स्क्वायर, फाइव टाइम्स वन किया और इसका होल स्क्वायर। क्या आप इसको सेकेंड्स में निकाल सकते हैं? देखेंगे और कुछ ही सेकेंड में निकाल देंगे। वन वन कितनी बार आया? दो बार वन आया। मैं लिखूंगा वन टू और फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे टू वन। करेक्ट है सर, टू को दोबारा रिपीट करके नहीं लिखेंगे, बस यही है। वन टू थ्री कितनी बार है सर? तीन बार। तो सर हम गिनती लिख दें वन टू थ्री, थ्री टू वन, थ्री टू वन। करेक्ट है सर। वन टू थ्री फोर सर कितनी बार? चार बार। वन टू थ्री फोर, थ्री टू वन, सर ये हो गया। और यदि मैंने वन टू थ्री फोर फाइव, तो फिर सर फाइव फोर थ्री टू वन। फाइव दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, मतलब इधर से देखेंगे तो वो उसका सीधा ऑर्डर है, इधर से उसका रिवर्स ऑर्डर है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत आसान है सर। ऐसे ही ऑल डिजिट्स अब आप घर पे ट्राई करिएगा। वन को सिक्स टाइम्स ले लीजिए और फिर आप चेक कर लेंगे बाय कैलकुलेटर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव फोर थ्री टू वन। करेक्ट है, समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम अगला चलते हैं कि जब ऑल डिजिट्स हमारे क्या हो जाएं, व्हेन ऑल डिजिट्स आर नाइन, जब सभी के सभी अंक क्या हो जाएं, नौ हो जाएं, तब हम इसको कैसे करेंगे? व्हेन ऑल डिजिट्स आर नाइन, इट्स अ सो इजी क्वेश्चन। यदि हम बात करते हैं 99 का स्क्वायर या 999 का स्क्वायर, या मैं बात करूं 4 × 9 का स्क्वायर, ऐसे बच्चों को लगता है ये चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ये तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, दिस इज द लार्जेस्ट थ्री नंबर्स। अब मैं बात करूं यदि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज दिस, तो ये हम बात कर रहे हैं कि सर इसका स्क्वायर्स करना है। ठीक है बच्चों, अब यदि हमें स्क्वायर करना है इनका, तो कैसे निकाल सकते हैं, क्या हो सकते हैं? बच्चों एक बात ध्यान रखिए, यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, 99 का स्क्वायर क्या होगा? 99 में एक कम करिए तो क्या होगा सर? 98। जितने 9 होंगे उतने 0 देते हैं, जितने 8 होंगे उतने 1 देंगे। 9 एक है, 8 भी एक है, तो हमारा 9801 इज द राइट आंसर। भैया यहाँ पर देखिए 1 2 3 कितनी बार 9 है? 3 बार 9 है, तो हम यहाँ पर एक कम करेंगे तो 998। 9 कितनी बार? 2 बार। 8 कितनी बार? 1 बार। करेक्ट है सर, बहुत सिंपल है। यदि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कितनी बार 9 है? 4 बार है। 998 999 के जगह पे 0001। करेक्ट है, एक बार और देख लेते हैं। 5 बार 9 है, 4 बार 9 लिखेंगे, 1 बार 8 लिखेंगे, 4 बार 0 लिखेंगे, 1 बार 1 लिखेंगे। या ये कह सकते हैं जितने 9 होंगे उससे एक कम 9 होंगे, फिर 8 होगा, फिर उतने ही 0 होंगे जितने 9 थे, और 1 लास्ट में। हम देख पा रहे हैं कि बड़ी आसानी से व्हेन ऑल डिजिट्स आर 9, तो हम ये इजीली उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चों को जब स्क्वायर्स करने का बोला जाता है तो उनको बहुत टाइम लगता है। एक और मैं ले लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। यदि 9 को हमने 6 बार ले लिया तो सर क्या दिक्कत है? 9 9 9 9 9 8, फिर 5 बार 0 और फिर एक। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत जल्दी से बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी? व्हेन ऑल डिजिट्स आर 1। अब हमने क्या बात करी? व्हेन ऑल डिजिट्स आर 9। अब हम बात करते हैं, इसमें और बढ़ते हैं आगे,
कि कभी कभी नंबर जैसे 101, 1001 कुछ एक जोड़ करके, इसे बोलते हैं शुभ राशि। शुभ राशियों का स्क्वायर कैसे होता है? सर एक क्यों जोड़ते हैं? ये हिंदी मैथोलॉजी है, इस पर कभी डिस्कशन करेंगे। 101 का स्क्वायर सर क्या होगा? 1001 का स्क्वायर सर क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, जब लोगों से बात करो तो लोग बड़े चिंतित होते हैं कि सर सच में ये कभी सोचा नहीं कि क्या ये एक मेथड को फॉलो करते हैं। और सर बिल्कुल फॉलो करते हैं, 100% फॉलो करते हैं। आज हम आपको स्क्वायर पढ़ा रहे हैं, क्यूब भी पढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और मल्टीप्लिकेशन। सर सिंप्लीफिकेशन में यदि ये आ जाता है और आप फास्ट हो जाते हो तो पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सर 101 का स्क्वायर क्या होगा? आराम से देखिए, 101 है, आप एक बढ़ा दीजिए। जैसे आप 99 था तो एक कम कर रहे थे, यहाँ पर एक बढ़ा दिया तो क्या लिखा 102, और उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो 201। ये रिवर्स ऑर्डर है, यदि हम इसको बोलें 100201, इट इज़ करेक्ट 100201 करेक्ट है। और यदि हम इसी तरह से चर्चा करते रहें तो मुझे यकीन है कि आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी। सर इसका क्या होगा? 10040, फिर एक की जगह दो, फिर चार जीरो और फिर एक। इस तरह से हम पाते हैं कि इसका स्क्वायर्स हो जाता है। एक लास्ट और ट्रिकी आता है और बहुत अच्छा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि सब बच्चों को आ रहा होगा। और यकीन मानिए आप कुछ समय के बाद, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। देखिए होता क्या है, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, सर इसी का स्क्वायर्स होता है क्या। देखिए जो जिस तरह के प्रावधान में हैं, सिंपल जितना हो सकता है, सर ये बहुत सिंपल हो जाता है यदि आपकी उसको अल्टीमेट। सर इसका कोई बेसिक मेथड है? सर बिल्कुल होता है। अब 101 को क्या लिख सकते हो? 100+1 का होल स्क्वायर। सर क्या उससे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये ट्रिकी मेथड है। अप्रोच आप समझ के ध्यान रखिए, बहुत आसान सा अप्रोच है। 101 है, एक जोड़ देंगे 102, फिर 01, फिर 1001 है, एक जोड़ देंगे 1002, फिर रिवर्स ऑर्डर 2 से 001001। 10002 है, 10001 है, 10002 हो जाएगा 001। इस तरह से आप पाते हो कि बहुत आसानी से कर पाते हैं। अगला देखते हैं, ऑल डिजिट्स वाले हो गए। अब हम बात करेंगे व्हेन लास्ट डिजिट इज 5, व्हेन लास्ट डिजिट इज 5। यदि लास्ट डिजिट किसी का 5 है तब आप कैसे करते? When last digit is 5, बहुत ध्यान से देखना है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यदि 5 है तो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इवन यहाँ तक है बच्चों को बड़ा पसंद आता है। मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा व्हाट इज 95 का स्क्वायर, बच्चे ने जवाब दिया कि सर इसको 95×95 करेंगे। बिल्कुल सही है बेटे, पर क्या इसको देख कर किया जा सकता है? लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट है इसका 5। लास्ट डिजिट क्या है इसका? लास्ट डिजिट है 5। और यदि लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर क्या होगा? 25। 9 से 1 बढ़ा दिया कितना होगा? 10। और 10×9 हाउ मच? इट इज 90। तो 9025 इज द राइट आंसर। सर इसको और आसानी से कर सकते हैं, यदि किसी ने बोला 995 का होल स्क्वायर तब सर आंसर इज व्हाट? सर आप क्या कर रहे हो? 99×99 में 1 बढ़ाया 100, तो 99100 और 25। लास्ट डिजिट क्या था? 5। एक सर और एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है लोगों को। 105 का होल स्क्वायर, सर 5 इज द लास्ट डिजिट, 5 का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज दैट? इज 25। 10 में 1 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? इस 10 में 1 बढ़ाया तो 11, 11 दहम कितना हो जाएगा? 110। तो इस तरह से आता है 110 25। बहुत आसान सा है, आप यदि प्रैक्टिस करते हो इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप आसानी से जंग जीत सकते हो। व्हाट इज 85 का स्क्वायर, क्या करोगे? 5 पे तो तुरंत क्या लिख देंगे आप? 25। 8 में 1 बढ़ाया कितना? 9। और 972, 9 इज जस्ट 72, आप आराम से देख पा रहे होंगे और बेहद आसान है। जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा स्क्वायर करना उसके लिए बेहद सेकंड्स का काम होगा, 2 से 3 सेकंड में ही हो जाता। पूरा वीडियो देखिएगा। अब हम इसका बेसिक, ये तो हो गया सर ट्रिक से,
अभी कुछ छूट जाएगा वो हम अगले वीडियो में कंसीडर कर लेंगे। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसमें और कौन सा टिकी बताया जा सकता है, हम बिल्कुल बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस मेथड, बेस मेथड क्या है और बेस मेथड से कौन कौन से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमने लास्ट डिजिट 5 कर लिया, ऑल डिजिट्स 9, ऑल डिजिट 1, 101, 1001, 1001, इनका स्क्वायर्स कर लिया। अब हम लोग लास्ट बिल्कुल करने वाले हैं, उसका नाम है बेस मेथड। नाम क्या है बच्चे? उसका नाम है बेस मेथड। बेस मेथड क्या होता है? बेस मेथड कहता है यदि दो डिजिट का कोई भी स्क्वायर है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आप 1 से 25 तक स्क्वायर्स लर्न कर लें, और वो स्क्वायर्स करना, 1 से 25 तक स्क्वायर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 1 से 25 तक स्क्वायर मोस्टली जितने बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उनको प्रिपेयर ही होता है, और आपको भी प्रिपेयर होगा ऐसा पूरी उम्मीद है मुझको। बहुत आसान हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेस मेथड ये कहता है कि या तो मैं बेस 50 लूँगा या तो मैं बेस 100 लूँगा। तो उम्मीदतन लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, या तो बेस 50 को कंसीडर करते हैं या तो बेस 100 को। नंबर क्या 50 के पास में है या 100 के पास में है, ये देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि बेस कौन सा लेंगे। लेट बी सपोज हमने एक नंबर ले लिया कि सर नंबर इज 57 का स्क्वायर। अब सर इसका स्क्वायर करना है बच्चे को, बच्चे को कौन सा बेस लेना चाहिए, 50 या 100? कॉमन सेंस की बात है, 57 देखा नहीं कि दिल में एक ही आरजू आती है कि सर मैं कंसीडर करूँगा 50 को, 50 को लूँगा। सर 50 को ले लिया आपने, 50 को जैसे लिया आपके दिल में एक और बात आती है कि सर 50 से कितना ज़्यादा है। लड़के ने तुरंत बोला सर ये कुछ नहीं 7 मोर है। हमने कहा बच्चे आप एक बात ध्यान रखिए, जितने भी 50 वाले हैं, जो भी जितना मोर है उसका या जितना लेस है, मोर हो या लेस हो, उससे हम ये देखते हैं पहला काम कितना ज़्यादा है कितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे और लास्ट 2 डिजिट में रख देंगे, और यदि कैरी जाती है तो उसको आगे ले लेंगे। इसमें 25 में वही नंबर यदि ज़्यादा है तो ऐड कर देंगे और कम है तो माइनस कर देंगे। बच्चों 57 का स्क्वायर है कितना ज़्यादा है किससे, पहले बेस क्या लेंगे 50, करेक्ट है। कितना मोर है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। चुपचाप आप पूरे डिजिट लिख देंगे, 2 डिजिट्स, क्लियर है। अब आप 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सर ये बात समझ लीजिए ना कि यहाँ पर आएगा 25, वही 25 आया, आपसे कितना ज़्यादा था 7, 25 और 7 कितना हो गया 32, करेक्ट है। अब बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये आता जैसे ही 67 का होल स्क्वायर किया बच्चे ने, लड़के ने बोला सर कितना ज़्यादा है, लड़के ने बोला 17 ज़्यादा है, करेक्ट। 17 का वर्ग कितना होता है 289, 17 का वर्ग 289, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 89, 2 कहाँ जाएगा कैरी जाएगा बेटे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर कितने डिजिट्स लेने होते हैं, केवल 2 डिजिट्स, पहली बात, ठीक है सर। अब बेस क्या है 50, 50 में यहाँ क्या लेना होता है 25, 25 कितना ज़्यादा था 17, 25 और 17 कितना हो जाएगा 42, 4289, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। यदि किसी ने बोला सर मेरे को और एक समझना है तो एक और देख लीजिए, यदि किसी ने बोला 73 का स्क्वायर, क्लियर, 73 का स्क्वायर क्या होगा 4289। देखिए बच्चों यहाँ पर लगता है मैंने छोड़ दिया, व्हाट इज इट इज़ 42, और सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या था, दो हासिल जो थी वो मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर दो हासिल भी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4489, वो बाय मिस्टेक छूट गया था। तो फिर से आप इसको देख लीजिए एक बार, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हम बात कर रहे थे कितना ज़्यादा है, उन्होंने बोला 50 से 17 ज़्यादा है, 289, 2 कहाँ गया बेटा कैरी गया, 25 प्लस 17 42 और 244 तो 4489, करेक्ट है। कॉन्सेप्ट में यही लिखा हुआ है, कितना ज़्यादा है बच्चों 23 ज़्यादा है, 23 का वर्ग कितना होगा 23, 529, क्या लिखूँगा 29, कितना हासिल जाएगा 5, करेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 25 में 23 जोड़ दूंगा, 25 और 23 कितना होगा 48,
और हासिल कितना 5, 48 और 5 कितना 5329 इज द राइट आंसर। सर बिल्कुल नहीं घबराना है, केवल हिम्मत रखिए, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी ने बोला सर 44 का स्क्वायर करिए, सर घबराने की क्या बात है, इसका बेस क्या होगा, सर ऑब्वियस सी बात है 50 होगा, 44 है क्या करेंगे, कितना लेस है, 6 लेस है, करेक्ट है, और यदि 6 लेस है तो आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 घटा देंगे कितना आएगा 19, 1936 इट विल बी द राइट आंसर। सर बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं बिल्कुल, और वैसे भी एक लॉजिकली यदि आप सोचो, और गलतियां जो होती हैं यदि उनको लॉजिकली सोचा जाता तो गलतियां होने की संभावना नहीं है। 42 का स्क्वायर यदि आपको करना है, यदि आप बात करते हैं 42 का स्क्वायर की, तो 42 का स्क्वायर कैसे होगा, सर बेस क्या लेंगे 50, कितना लेस 8 लेस, और कितना आ जाएगा 64, दो डिजिट लिखने ही लिखने हैं, 25 में 8 गया कितना आएगा 17, तो 1764। सर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तैयार होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को बार बार आप देख लीजिए, फिर से वापस जाइए, फिर देखिए आपको समझ आने लगेगा। एक चीज़ और है इसमें और इम्पॉर्टेंट होता है हर बार, कि क्वेश्चंस को कितनी भी बार किया जाए वो तभी आएगा बहुत अच्छे से जब आप उस पर प्रैक्टिस अच्छी करोगे। व्हाट इज़ 100, यदि आप 100 की बात कर रहे हो, 100 यदि बेस है, बेस यदि 100 है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसमें भी वही चेक करना है कितना ज़्यादा है। आपने पाया सर ए ज़्यादा है, सर वही प्रोसेस है, आपको ए स्क्वायर उसका स्क्वायर करना है, दो डिजिट आपको लिखने ही लिखने हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसमें बस एक बात हो जाती है, सेम नंबर को मिलता है, जैसे इसमें 25 को कंसीडर किया था, यहाँ पर वही नंबर जो वहाँ पर लिया गया उसी को लिखेंगे, और वो नंबर को ही हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे, और जितना कम ज़्यादा था उसी नंबर से माइनस। अब जैसे आप 99 की बात कर रहे थे 99 के स्क्वायर की, 99 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सर बेस क्या लेंगे, 50 तो ले नहीं सकते, 100 होगा बेस, कितना ज़्यादा या कितना कम है, हम पाते हैं कि एक हमारा यहाँ पर कम है, और यदि एक कम है तो एक का स्क्वायर क्या होगा 0, 1, और 99 में वही 1 माइनस हो गया तो आंसर क्या आएगा 980। यदि आप बात कर रहे हो कोई और नंबर ले लो, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, किसी ने बोला सर 97 का स्क्वायर, अब बच्चे ने बोला बेस से कितना कम है 3 कम, 3 का वर्ग कितना 9 लिखेंगे, और जो 3 कम है वो इसी नंबर से माइनस कर दो, 97 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9409। किसी ने बोला नहीं सर अभी हम और करेंगे, 89 का स्क्वायर कितना कम है 11, 11 का वर्ग कितना 121, एक कैरी गया, और 89 में यदि हम 11 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 78 प्लस 1 7921। सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस पर मुझे लगता है ना ये सब सेकेंड्स में हो जाता है, बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं लोग। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे, किसी ने बोला सर 102 का स्क्वायर करना है, अब यार 102 का स्क्वायर करना है बेस से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, 2 का वर्ग कितना 4, 4 लिखूँ या 04, 04 क्यों, क्योंकि 2 बार तक लिखना है, 2 डिजिट तक लिखना है मेरे भैया। एक बड़ी बात है इसी नंबर में वो ऐड हो जाएगा 104 04। मैंने बोला सर 109 का स्क्वायर क्या होगा, घबराने वाली क्या बात है, बेस से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, 9 का वर्ग कितना 81, और यदि मैं इसी में ऐड कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 118 81। बहुत आराम से लोग करते हैं, मस्त तरीके से करते हैं, खूबसूरत तरीके से करते हैं, और सर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे और कमेंट्स भी करेंगे उम्मीद है। थैंक यू सो मच।